हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल 14 मई को यूपीपीएससी 2023 का प्री का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी का जीएस फर्स्ट और सेकंड के हमने अपने चैनल पर आंसर की तैयार की हैं। तो इसमें सभी सीरीज़ की आप आंसर देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कैप सेलेक्ट करें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आपको समय से मिल सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर एनालिसिस की हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने सभी सीरीज वाले अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, और दूसरा, जौनपुर गाजीपुर बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। इसका आंसर जो है न तो एक और ना ही दो। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो के, तो इसका जो आंसर है वो है नवीकरण बी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, तो इसका आंसर है बी, अजीजुद्दीन खान। और चौथा क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, इसका आंसर है डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, तो इसका आंसर डी है। आइए अब पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं, तो देखिए, पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिगत निर्धनता और प्रकारगत निर्धनता, तो इसका आंसर जो है वो है ए, यानी एक और दो कथन केवल सही हैं, पूर्ण परम निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, तो इसका आंसर ए है। और अब देखते हैं छठवा क्वेश्चन, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो आप देख रहे हैं आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव, तो इसका आंसर सी है, दोनों एक और दो सही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही कालक्रम व्यवस्थित करना है, तो आप देखिए, प्रारूप समिति नियुक्ति और भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियम किया, ये आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसका जो आंसर है बी है, तो 4, 1, 2, 3 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं, एक तरफ बीमारी हैं और उसके कारक हैं, तो इसमें जो पेप्टिक रड़ है, रेंगू पाम और मलेरिया, इसके तो इसका आंसर बी है। इसमें आप देख रहे हैं विषाणु विषाणु, तो हिंदी वर्जन में थोड़ा गलत कर दिया है, इंग्लिश में इसका बिल्कुल सही है, तो आंसर बी है। अब देखते हैं उसके बाद 9th क्वेश्चन, और इसमें जो है पुस्तक दी हुई है और एक बार विषय दिए हुए हैं, तो इसका जब आप देखेंगे तो आंसर है ए, यानी 4, 2, 1, 3, यानी कि ए का 4, मिराते सिकंदरी, ये गुजरात विजय पर है। अब आप देखते हैं उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कथन और कारण है, और देश के परिवार को बनाए रखने, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, जनसंख्या विरोधी कारण पर, तो इसका आंसर है ए, ए गलत है परंतु आर सत्य है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो इसका जो आंसर है वो है बी, युगांतर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2013 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो इसका आंसर है सी, क्रिस हिपकिंस। और 13वें क्वेश्चन का आंसर है, इसमें कौन सा युग्मक 10 प्रचार सम्मिलित नहीं है, तो न्याय गौतम, ये गलत है। और भारत में जनगणना कार्य सर्वप्रथम किया गया प्रारंभ, तो वर्ष 1871 में, इसका आंसर ए है, तो 13वें का डी और 14वें का ए। और 15वें क्वेश्चन देखें तो इसमें आप जो कूट दिए गए हैं और ये कथन दिए हैं, तो इसमें आंसर है डी, केवल एक सही है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, तो ये इसका केवल एक आंसर है, यानी डी। और 16वें क्वेश्चन की बात करें तो फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया तुमकुर कर्नाटक, आंसर डी है इसका 16वें क्वेश्चन। अब देखते हैं 17वां, कवित्री और पुस्तक की सुमिलित नहीं है, तो ये देखें, तो इसमें जो आंसर है 17वें का सी, गंगाबाई गणेश देव, तो और इसमें। और 18वें क्वेश्चन देखें पंचायतों के बारे में, तो इसमें आंसर है सी, राज्य निर्वाचन। और 19वें क्वेश्चन का आंसर है इसमें आप देखें बी, केवल एक, तो ये आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में कौन सा शहर भारत के अध्यक्षता के दौरान G20 के 2 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं, तो इसका आंसर है बी, कानपुर। और चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है, तो इसका आंसर है ए, 120 अध्याय और 8 खंड। अब देखते हैं 22वां, मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों का बना होता है,
तो इसमें केवल चार यानी ए आंसर है इसका। और साथ ही साथ में फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के अमृत भारत स्टेशन से आधुनिकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है, इसका आंसर है बी यानी कि 149। और अगर 24 में देखें तो कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग COVID-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर है मॉडर्ना, ए आंसर। 25वें क्वेश्चन की बात करें, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन में से किस नेता ने किया था, तो इसका इंद्र नारायण द्विवेदी, ए आंसर है। और वैदिक कालीन प्रशासन में भागदायक अधिकारी कौन था, तो इसका आंसर है बी, राजस्व कर जमा करने वाला। अच्छा, 27वें क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें सूची 1 और 2 इसमें मिलान करना है, अनुच्छेद 324, 315, 280, 380, तो उसका आंसर है डी, 4321। 28वें क्वेश्चन देखें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हमारे हिसाब से अभी हम कंफर्म नहीं है। 29वें क्वेश्चन की बात करें, तो मिलिंद पनोह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप में है, तो इसका आंसर है सी, नागसेन। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है, तो इसका आंसर है सी, प्रिंस हैरी। और 31वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें कथन अवकथन और कारण हैं, और इसकी अगर हम दोनों की बात करें तो इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों सही हैं और इसमें ए आर की व्याख्या करता है। 32वें, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। 33 की बात करें, G20 के प्रतीक चिन्ह के संबंध में, तो पहला प्रतीक चिन्ह सात पंखुड़ी वाला कमल है, और प्रतीक चिन्ह के सात पंखुड़ी वाला महाद्वीप को प्रिंट करता है, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें अगर बात करें। 34 में देखें, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो ये मीरा कुमार, ये आंसर है। और अब 35 की बात करें, तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात है सेवाओं के बारे में, और उसमें अगर हम देखें तो ये जो है इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। आइए 36वें क्वेश्चन देखें, तो इसमें जो कालानुक्रम है पेशवाओं के उनके बारे में बात बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है ए यानी कि 1, 2, 4, 3। और 37 क्वेश्चन, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, डोनेट्स्क। तो ये 37 का आंसर हुआ सी। अब देखते हैं 38, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ए जो है वो इसका आंसर सही है, महासागर लवणता करके मकर का अधिकतम होते हैं। और 39 की बात करें, द चैलेंज ऑफ पावर्टी पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखी है गुन्नार मिडलर, आंसर इसका सी है। 40 क्वेश्चन की बात करें, तो ईवी रामास्वामी नायकर संदर्भ में ये कथन की बात आ रही है, कौन से सही हैं, तो इसके आंसर के अगर हम बात करें तो डी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और 41 क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में जो अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून कहाँ किया गया, तो इसका जो लक्ष्य है वो है 2025, तो आंसर है ए। अब देखते हैं 42वां, जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो यति एयरलाइंस, सी आंसर है। 43 की देखें, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भारत के किस स्थान पर रहा, तो इसका आंसर है ए, 10वां। और 44 में देखें, एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडार के पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक, यानी आंसर हुआ ए। 45 से देखें, मानव विकास रिपोर्ट जो 2021-22 के संदर्भ में है, तो इसमें जो आंसर जो आ रहा है डी, केवल 2, जिसकी बात है मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। अब देखें 46, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिवहन निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है बी, सब्सिडी 9% वाला। 47 में देखें, तो सूची 1 है जिसमें जनसंख्या के सिद्धांत है, और सूची 2 में सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, और इसका आंसर है सी, 3, 4, 1, 2, तो ये जो सिद्धांत और उनके वो मैच के मिलान करने से ये आंसर सी आता है। अब देखते हैं 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटवक्षी पौधा है, तो ये नेपेंथिस, यानी आंसर डी है 48 का। और 49, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो ये रियो ग्रांडे, यानी कि डी आंसर है 49 का। 50 की बात करें, तो कौन सा एक दर्रा राज केंद्र शासित सही सुमेल, तो इसमें ए आंसर है नीति उत्तराखंड। और पोषक स्तर बनाते हैं तो खाद्य श्रृंखला से जीवों के संबंध में, यानी आंसर 51 का ए है।
अब देखते हैं 52, तो इसमें कौन केंद्रीय बजट जो विभाग है उसमें 2023 में अनुमानित आवंटन राशि के बारे में बात की गई, तो इसका आंसर है बी स्वास्थ्य मंत्रालय। और 53 की बात करें, संसद के सचिवालय के पद निम्नलिखित कौन से जो इसका कथन है वो सही है, इसमें 53 की जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 53 का है, बी केवल 2 सही है इसमें, यानी बी आंसर है। और अगर 54 की बात करें, तो 25 दिसंबर 2021 को किसे 1 जनवरी 2000 के पुरुषों के लिए एक ही सैनिक सेवा जो अनिवार्य कर दी गई थी, तो वो ताइवान आंसर है डी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव के लेखक हैं, तो इसका आंसर है ए अनुराधा राय। और किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो इसका आंसर है सी टॉक्सॉइड, 56 का सी आंसर है। अब 57 की बात करें, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जीव रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोलांस, का आंसर है ए। 58 में जैसे कि आप देख रहे हैं अब कथन है और कारण है, और ये जो कारण है राज्य की सीमा से संबंधित है, और इसका आंसर है 58 का ए, के दोनों कथन सत्य हैं पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में लाफिंग गैस की कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बी आंसर है इसका। और 60 में देखिए क्वेश्चन, 1857 बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था, तो इसमें खान बहादुर खान यानी आंसर डी है इसका। अब देखें 61 क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है सी यातना के विरुद्ध निषेध। अब देखते हैं 62वां क्वेश्चन, भारत के महान आबादी के संदर्भ में कथन है, तो कथन ए और वो 2 हैं, तो इसके बारे में अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डी केवल 1। और अब देखें 63, तो भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर है बी यानी कि 2045। 64 की बात करें, तो इसमें संविधान के अनुसूची दी है और विषय दिए हैं, तो इसका आंसर है जो सम्मिलित नहीं है वो है ए यानी नवीं अनुसूची वाला आंसर इसमें सही। 65 देखें, तो इसमें सतत विकास लक्ष्य है और संबंधित है, तो इसमें SDG और इनका मैचिंग करना है, तो इसका जो आंसर है वो है डी 3142, तो ये आंसर बनेगा इसका डी 65 का डी। इसी तरह आप देखेंगे 66 में, तो प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो है सी नाइट्रोजन। और 67 की बात करें, किस दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीप जावी को हटाया गया, तो इसका आंसर है सी टैक्स स्कैंडल। 68 में देखिए, भारत की जेब की डाटा किस केंद्र में स्थापित किया गया है, तो ये हरियाणा में, आंसर बी है इसका। माउंट नेमेंट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोहे के साथ सी आंसर है इसका 69 का। और 70 की बात करें, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो स्वैच्छिक समाज सेवा ए आंसर है इसका। अब देखिए 70 आर्थिक क्रिया की बात होगी स्वैच्छिक समाज से। 71 में देखिए, पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो आंसर है ए आंसर है, यानी दोनों 1 और 2 सही है इसमें। और अब जो 72 की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 72 देखें, तो इसमें कौन एक योजना जो वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो अगर हम इसकी बात करें तो बाकी सभी सही हैं। इसका आंसर है सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन 2015। ये 73 की बात करें, संसाधनों को उपयुक्त तथा भविष्य के लिए उनके संसाधन का आवश्यक संतुलित करने की बात करें, तो इसका आंसर है बी सतत विकास। और 74 की अगर बात करें, तो 74 जो क्वेश्चन है उसका जो कथन दिए गए हैं, और ये मॉल इन दो कथन है, इनको देखना है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर है डी 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। 75 की बात करें, निस्सार उपग्रह किन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो इसका आंसर है सी इसरो नासा। और 76 की बात करें, तो इसमें कथन सही है, तो इसमें जो कथन दिए गए हैं तो इसका आंसर है सी यानी केवल 1 सही है इसमें। 77 की बात करें, तो भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही काल का नंबर है, तो ए बी सी डी में से इसका जो आंसर है वो है सी
यूनानी शक कुशार, ये इसका कालानुक्रम है। और 78 की अगर बात करें तो किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, तो इसका आंसर है 1919 का अधिनियम बी। 79 क्वेश्चन, हार्मोन अग्राशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो इसका आंसर है सी इंसुलिन। और कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, तो इसका आंसर है बी एक्टिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 81 में पोप बेनेडिक्ट 16वें के जो जिनका हाल ही में निधन हुआ उनके संदर्भ में कथन है, तो इसका आंसर है ए, दोनों एक और दो दोनों इसके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर है बी प्राकृतिक वाष्प विनाश। क्वेश्चन नंबर 83 पौधों में जाइलम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए आंसर है इसका सी जल। 84 दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रयास चयन अभ्यास कहाँ किया गया, तो इसका आंसर है बी राजस्थान। और 85 है फिलीपींस में नारियलम गन्ने किसी का विकास किसके से आता है, तो स्पेन और अमेरिका वासी, आंसर सी इसका। 86 में इसमें नदियां हैं और उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर अगर देखें मैचिंग करें तो इसका आंसर सी है, 86 का सी। और ऐसे ही 87 है उसमें हम देखते हैं कि सूची दी हुई है पर्वत और एक तरफ देश दिए हैं, तो इसका जो आंसर है वो 87 का डी है, 3142, ये इसका 87 का आंसर, जो पर्वत है और देश जो उनके मैच है। 88 क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा झील देश से सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ओनेगा कनाडा ये सम्मिलित नहीं है, सी आंसर है। 89 की फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के कौन है, तो इसमें बिमल जालान है। और 90 क्वेश्चन की बात करें तो संसद में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका डी आंसर है, यानी दोनों एक और दो इसमें सही है, ये दोनों कथन है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीट आवंटित है और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश के निर्वाचित होते हैं, ये दोनों सही हैं। 91 क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर है ओनली टू है, केवल दो, और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, तो इसमें 91 में ये क्वेश्चन इसका आंसर है सी। और 92 की बात करें कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका आंसर है ए, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, इसका आंसर है ए 92 का। और ऐसे ही हम 93 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग किसको होता है, तो इसका आंसर है ए राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट को। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो इसमें ना तो एक ना दो, यानी आंसर इसका बी है, दोनों ही यानी कि गलत हैं, तो आंसर 94 का बी देख सकते हैं। 95 की बात करें भारत के किस भाग में हांगुल नामक हिरण पाया जाता है, तो ये इसका आंसर है बी, यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसी तरह 96 की बात करें कि भारत के एक राज्य के विधान परिषद गठन के जो संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो इन कथनों में देखें तो बोथ वन और टू यानी दोनों सही है, इसका मतलब इसका आंसर है 96 का ए। 97 में संगीत की टप्पा शैली निमित्त किस सम्राट के दरबार में पुरस्कृत हुई, तो इसका मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि सी आंसर है इसका। और 98 की बात करें भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, तो इसके अगर आंसर कथन जो दोनों देखें तो उसमें से केवल एक सही है, यानी बी वाला सही है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए कार्यवाही मान नहीं होते हैं। अच्छा, उसके जो 99 क्वेश्चन में देखें सूची है प्रातोगिक स्थल और कहाँ वर्तमान स्थान है, तो इसमें अगर देखा जाए तो मैचिंग करने से इसका आंसर आता है सी, यानी कि 3412, यानी 99 का सी आंसर है। 100 क्वेश्चन एस सी यू फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में है, और इसका अगर आंसर देखें तो डी, दोनों एक और दो आंसर है इसका, यानी दोनों ही सही हैं इसके कथन, जो फिल्म महोत्सव में ऐसी देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी और अध्यक्षता जो है वो कहाँ संघाई भारत की अध्यक्षता में हुआ। अब देखते हैं 101 क्वेश्चन तो लेटराइट मिट्टी के विषय में है, इसका कथन की अगर बात करें तो केवल एक कथन जो है वो सही है, यानी आज का आंसर है डी, यानी इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है।
देखें। और 102 क्वेश्चन की बात करें तो प्रावधान संविधान का भाग जो है तो अधिकरण वगैरह दिए हैं इसमें, तो इसका आंसर है पहला यानी अधिकरण भाग जो है 11th, सही सुमेलित नहीं है ये अगर मैचिंग की बात करें तो। ऐसे ही हम जो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 103 की, तो 103 में बात करें रेगिस्तान पर विचार करना है, कहाँ पर उसका छोटे से सबसे विस्तृत तक देखना है, तो इसका आंसर है बी यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यानी कि सबसे छोटा जो है ग्रेट सेंटिनल मरुस्थल है। और अब देखें 104 में, तो 104 में सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात की गई है, इसका आंसर है पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये आंसर है 104 का ये आंसर। और 105 में जो कथन दिए गए हैं विचार, उन कथनों को देखना है, तो इसका आंसर है डी, केवल एक, यानी कि वैश्विक संरचना जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी के बारे में, जो वो पहला केवल एक सही है। और अब देखते हैं 106 क्वेश्चन, इनमें कौन और कथन एक दूसरे को आर कहा गया है, तो वो कौन सा राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए राष्ट्रपति सहमति के बिना कानून बन सकता है, तो इसका आंसर बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और 107 की अगर बात करें तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी, तो इसका है मोपला विद्रोह यानी 1921 में जो हुआ था वो, इसका आंसर है। और कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो इसका कीटनाशक का आंसर है। और 109 की अगर बात करें, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21, तो सतत विकास यानी आंसर बी। अब देखते हैं इसमें 110 रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो मृदु जानवर कहा जाता है, आंसर ए है। 111 में देखें तो निम्नलिखित किस स्थान पर अलकनंदा बागी नदी मिलती है, तो इसका आंसर है ए, देवप्रयाग। और समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ये जो जो सबसे आंसर है इसका बी, आयोडीन के। 112 का बी हुआ। और 113 में बताए ग्राम सभा और कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो बी आंसर है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है, इसका आंसर बी हुआ। और लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो ये है इसका आंसर नदी यानी सी, 114 का सी सही है। अब देखिए नेता 115 क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद फौज के हिस्से के गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, तो इसका आंसर है बी, रानी झांसी रेजिमेंट। और साथ ही 116 के देखें तो इसको कौन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका आंसर है डी, INS बागीर, तो इसका डी आंसर है 116 का। अब 117 देखें तो कौन सा हड़प्पा सम्मति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो इसका आंसर है सी, आलमगीर, यानी 117 का आंसर सी, आलमगीर, पूर्वी सीमा का निर्धारण हड़प्पा संस्कृति में देखें तो। 118 देखते हैं, 118 में PM गति शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो इसमें दो कथन दिए गए हैं और इसका आंसर है केवल दो, यानी राष्ट्रीय अवसर पाइपलाइन NIP के बारे में जो बात की गई है वो सही है। अब देखते हैं 119वां क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया, तो 2021 में, यानी आंसर डी है इसका। 120 की बात करें, अलनीनो के संदर्भ में है कौन से कथन सही हैं, तो दो कथन दिए हुए हैं इसमें जो है ओनली वन यानी बी आंसर है, केवल एक सही, अलनीनो पूर्व प्रशांत क्षेत्रीय पेरुदक्ष पर गर्म धारों का प्रकट होना समझ है। और 121 की बात करें, शिवनाथ समुद्र एवं कल्पक क्रम से किस लिए महत्वपूर्ण, इसका आंसर है ए, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। और अब देखते हैं आगे जो 122 नंबर क्वेश्चन, 122 में देखें तो आप केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए हैं, तो आंसर इसका है डी, 30 इसमें किए जाएंगे। और 123 के देखें, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये जामनगर में है। 124 की बात करें तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसमें मैच करना है, तो इसमें हमीदा बानो बेगम और लाद खिंच की पलती, ये बी आंसर इसका गलत है। राष्ट्रीय उद्यानों में 125 क्वेश्चन देखें तो वन्यजीव विविधता का रख रखवा किया जाता है, तो 125 का आंसर है इन सीटू संरक्षण द्वारा। 126 खरीदादार कौन था, तो इसका आंसर है ए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, तो ये आंसर है। 127 की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD के लिए एक मानक मानदंड है, तो ये है जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रदूषण की जांच के लिए, तो डी आंसर है इसका 127 का।
128 में दो कथन दिए गए हैं। अब कथन और कारण देखते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर है ए। इसी तरह 129 की देखें, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो इसका आंसर है सी, यानी ओनली टू, यानी केवल दो सही हैं, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये जो आंसर सही है। और 130 की अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर, तो 130 में कौन सा एक कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं और न उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो इसमें देखें गंगा एक्सप्रेस भी ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, आंसर डी। 131 की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस बार उसका उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों में न्यूनतम क्षण हो, तो ये किस प्रकार का सतत विकास, यानी बी आंसर है इसका। और 132 की अगर बात करें, कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आंसर है इसका और जो सी, शांति घोष। 133 क्वेश्चन में जो प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के नौले तत्व दोनों का एक साथ भाग है, तो इसका आंसर है परिवार का पर्यावरण का संरक्षण, यानी डी जो है ये है। 134 की अगर बात करें, तो कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है ए, 11 का चीन जो है ये गलत है। और 135 भारतीय संविधान के ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की, तो ये है 15 वर्ष, यानी आंसर डी है इसका 135 का। 136 की बात करें, तो इसमें जो योजना उत्तर प्रदेश संबंधित हैं उसका आंसर है ओनली एक, यानी केवल अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश संबंधित है, तो 136 की बात करें तो ये इसमें आंसर एक। 137 की बात करें, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है, तो ये चंदौली आंसर है ए। 138 की बात करें, भारतीय मूल के किस व्यवसायी साउथ वार के लंदन में ब्यूरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है, तो इसका आंसर है सुनील चोपड़ा, सी आंसर है इसका। 139 की बात करें, तो कौन एक 1857 के स्थान जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है झांसी 11 मई 1857 का जो है वो जून में हुआ था, तो ये आंसर सही है इसका। और इसी तरह से 140 की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो इसका कोलोरिस बल होता है, आंसर सी है। 141 का देखें, तो जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो इसका आंसर 1974, आंसर बी है इसका। 142 की बात करें, तो किस कौन सा सही है, तो इसका आंसर 142 का एक और दो दोनों सही, आंसर डी है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, और ये सही है। इसी तरह से हम अगर बात करें 143 क्वेश्चन की, तो 143 में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडल में है, तो समताप मंडल में होता है, इसका आंसर बी है 143 का। उसी तरह हम 144 की बात करें, कि सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, कौन सा नहीं है, तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसका आंसर बी सही है। और 145 में विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में माना जाता है, इसका आंसर है 2 फरवरी, यानी ए आंसर इसका सही है। इसी तरह देखें 146 में विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, यानी आंसर बी है इसका। और 147 की बात करें, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर डी है, M.M. किरवाने। और 148 की अगर बात करें, तो 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित देश ने केंद्रीय बैंक को के अपने करेंसी नोट ब्रिटिश राजशाही के हटाने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका डी आंसर है। और 149 की बात करें, निम्नलिखित कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया, तो जैनुल अबीदीन, यानी आंसर डी है। और 150 की बात करें, तो कौन सा सहायक नदी और नदी सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है डी, प्राणहिता महानदी। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिश करी है कि 150 यानी 150 क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे, पर कुछ गलत भी हो सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट हमारे चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।